किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने 27 फरवरी को हुई हत्या के मामले को सुलझा लिया है। मृतक का नाम अहमद दाऊद शेख 38 साल के रूप में इसकी पहचान हुई है। इसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसकी पत्नी ने ही अपने आशिक से करवाया है। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिमला पार्क तालाब के पास रहने वाले अहमद दाऊद शेख जरी का काम किया करता था और इसकी पत्नी रुखसार का प्रेम संबंध एक ऑटो ड्राइवर नफीस मोहम्मद शेख के साथ में चल रहा था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी होता था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि अहमद दाऊद शेख की हत्या बेरहमी से कर दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी आज नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। दरअसल अहमद की पत्नी रुखसार और उसके प्रेमी नफीस शेख और रुखसार की एक बहन रेशमा सैयद ने मिलकर प्लान बनाया था कि 27 फरवरी के दिन प्लान के मुताबिक ही अहमद दाऊद शेख को नफीस ने मित्तल ग्राउंड के पास पहले से ही शराब पिलाई और खुद भी शराब पिया, मगर अहमद को नफीस ने शराब ज़्यादा पिलाई और उसके बाद चौपर से अहमद का गला काट कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में काफ़ी छानबीन की मगर कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड और पुलिस निरीक्षक रामचंद्र वलतकर, संतोष उगल मुगले, शाहजी शेल के, संजय गलवे, दीपक जाधव, बाला पलांडे, अमोल यादव, कमलाकर भोए, उमेश राजपूत, अर्जुन जुआटकर, तेजस परब, बाबूराव खरात, अंकुश वैद्य, मयूर लोखंडे, प्रमोद जमदाड़े, जगदीश गावित, भूषण खैरनार, इतने लोगों की एक टीम तैयार की गई और जब ये टीम गंभीरता से जांच पड़ताल की तो कॉल रिकॉर्ड में सबसे पहले खुलासा सामने आया। कॉल रिकॉर्ड में सबसे आखिरी कॉल नफीस ने किया था और नफीस को बुलाकर जब मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई तो एक के बाद एक खुलासा सामने आया। अनैतिकता संबंध के मामले में ये हत्या करने की बात कबूल की गई है। थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें डीसीपी अंबुरे ने इस हत्या के बारे में पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। 27 फरवरी को जूना पुल मुंब्रा के वहाँ पे खाड़ी के पास में हमें इन्फॉर्मेशन पता चली कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी वहाँ पे है। पता चलने के बाद में सीनियर पीआई कर्ड और उनकी पूरी टीम और हम लोग भी वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे। उसके बाद में पता चला कि उस जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी ही वॉज पुरुष जाति के थे और उनके गले पे चॉपर से वार किया गया था। उसके बाद में हमारी पूरी डीबी टीम उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने रवाना की। इमीडिएटली विद इन 48 आवर्स जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी उसका पता चल गया। बंदे का नाम था अहमद दाऊद शेख, शिमला पार्क का रहने वाला है और जरी काम करता था वो। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस और अदर जो हमारे इंफॉर्मेशन जो डीबी वालों ने निकाला उस पर से पता चला कि उसका एक करीबी दोस्त मोहम्मद नफीस शेख जो रिक्शा चलाता है वो भी वहीं पे मुंब्रा में ही रहता है, उसने और जो मयत है उसकी पत्नी रुखसार शेख और पत्नी की जो बहन है रेशमा सैयद, ये तीनों ने मिलके इसको अंजाम किया। और एक दिन पहले तक मतलब 26 फरवरी को मोहम्मद इसके साथ में दारू पीने बैठा था वहाँ पे और उसको बहुत सारी दारू पिलाई और उसके बाद में उसका कत्ल वहाँ पे करके उसको बॉडी को वहीं पे छोड़ के वो चला गया था। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन इलिसिट रिलेशंस की वजह से ये हत्या की गई है ऐसा पता चला।
तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, बाकी की कार्रवाई चल रही है। हम लोग आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले। नहीं, अभी तक तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे कुछ पता चल जाता है हम लोग आपको वापस दोबारा बताएंगे।